हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम हमारे प्रिय देश भारत के एक राज्य गुजरात में स्थित भांडवर घुमली के पास आने वाला एक हिल स्टेशन आभापारा हिल स्टेशन के पास जाएंगे और ट्रेकिंग के साथ साथ आपको उधर के नेचुरल नज़ारे भी दिखाएंगे। तो तैयार हो जाओ एक वर्चुअल ट्रैवल एक्सपीरियंस करने के लिए। तो सुबह ही हम हमारे सारे फ्रेंड्स निकल पड़े थे आभापारा हिल स्टेशन के पास जाने के लिए। तो घुमली पहुंचते ही माँ आशापुरा मंदिर के पास से ही आभापारा हिल स्टेशन का रास्ता निकलता है, तो उधर से ही हमने ट्रेकिंग स्टार्ट की थी। तो बारिश के इस वातावरण में आभापारा हिल स्टेशन के ऊपर जाने पर आपको रास्ते में ही ऐसे कई झरने को पार करना होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा ही ऊपर चलते सारे दोस्तों ने अपने फोन निकाल लिए और कुदरती नज़ारे को कैप्चर करने लगे और फोटोज क्लिक करने लगे। तो इस तरह से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। घुमली से आभापारा हिल स्टेशन पर चढ़ने पर आपको बीच में ही श्री माँ आशापुरा टेम्पल दिखाई देगा। तो इस तरह बारिश के साथ साथ ट्रेकिंग का भी आनंद हम उठा रहे थे। बारिश के कारण पूरा रास्ता गीला हो गया था, मगर तो भी बहुत ही अच्छा लग रहा था ट्रेकिंग करने में, क्योंकि चारों ओर मिट्टी की सुगंध आने लगी थी। तो इस तरह हम सारे दोस्त कुदरती नज़ारों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। बारिश के चलते पूरा रास्ता गीला हो गया था, इस कारण हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक पैर रखना पड़ रहा था। तो ऐसे नजारे आपको बारिश में देखने को मिलेंगे। पहाड़ों के बीच ऊपर चढ़ रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था।
तरह हम आगे बढ़ने के साथ साथ जय श्री राम के नारे लगाकर आगे बढ़ रहे थे। तो आपको ट्रैकिंग में ऐसे कुदरती नजारे दिखाई देंगे। तो इस तरह हम सारे दोस्त आभापरा हिल स्टेशन के पास आ गए थे और बाजू में ही है त्रिकमजी बापू का मंदिर, उस पर भी हमने विजिट किया था, वो भी बहुत ही अच्छा है। तो ये कुछ नजारे हैं मंदिर के आसपास के। ये एक बहुत ही बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था हमारे लिए, क्योंकि बादल हमारे पास से ही गुजर रहे थे, या यूं कहे तो हम बादलों में ही थे।
तो ट्रेकिंग के साथ साथ नेचुरल नज़ारे देखते हुए हम आभापरा हिल स्टेशन के पास आ ही गए थे। आभापरा हिल स्टेशन के पास ही एक तालाब है जहां का नज़ारा बहुत ही यूनिक है। तो इस तरह आभापरा हिल स्टेशन के आसपास के नज़ारे देखने के बाद और त्रिकमजी बापू के मंदिर को भी विजिट करने के बाद हम फिर से नीचे उतरने लगे। तो इस तरह हम नेचुरल नज़ारे को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ता पूरा का पूरा पत्थर ही है, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से चलना होता है। तो नीचे उतरने के बाद पास में ही एक झरना बहता था, तो उसमें ही हमने अपने पैर धो दिए और बहुत ही अच्छा लग रहा था और थोड़ा टाइम भी स्पेंड किया। तो इस तरह हमने ये ट्रिप का अंत किया और बैक टू पेवेलियन यानी कि घर के लिए प्रस्थान करने लगे